हेलो वेलकम टू टूरिज़्म नोट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़राई के बारे में सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फराई व्हाट इज़ द मेन जॉब ऑफ फराई फराई वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फराई ये वीडियो का भी छोटे होने छोटी होने वाली है क्योंकि ये स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है जो होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं और टूरिज़्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं और वो जो काम करना चाहते हैं रिलेटेड टू होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है टूरिज्म मैनेजमेंट में इसका क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं आता पर कभी कभी छोटा मोटा क्वेश्चन इससे आ जाता है तो हम बात करते हैं वट इज़ द फॉर्म ऑफ फराई फराई स्टैंड फॉर द फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया तो ये एक्चुअली इसका मेन काम काम क्या है इस नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन दैट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री तो ये जो क्या रिप्रेजेंट करता है होटल एंड रेस्टोरेंट्स जो है इंडिया में उनका एसोसिएशन है उनको रिप्रेजेंट करता है जैसे मैंने आपको ताई में भी बताया था आई में भी बताया था कि एक तो गवर्नमेंट होती है और दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं और बीच में एक एसोसिएशन होता है जैसे ताई ट्रेवल एजेंट्स के लिए हो गया और आई टूर टूर ऑपरेटर के लिए हो गया तो ये लोग क्या करते हैं अपनी बातें गवर्नमेंट के सामने रखते हैं तो होटल एंड रेस्टोरेंट्स के लिए वैसे फराई है फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश हुआ था कब 1949 काफी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है इसका ऑब्जेक्टिव्स मैं बता दूं एक तो मैंने आपको बताया कि इट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया इन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल ठीक है और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इट हेल्प्स गवर्नमेंट टू प्रमोट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग टू होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ठीक है होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में कोई पॉलिसी बनता है तो गवर्नमेंट क्या करता है गवर्नमेंट इन एसोसिएशन विथ फराई बनाता है ताकि इसके जो मेंबर्स हैं सबको हेल्प uh, मिल जाए तो थर्ड जो है मैंने आपको बताया था हर एक एसोसिएशन की तरफ फराई का भी जो ऑब्जेक्टिव है अपने मेंबर्स को एक स्टेज देना फॉर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी फ्राई नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी तो देता है अपने मेंबर्स को एट द सेम टाइम लीगल असिस्टेंस भी देता है और उनको एजुकेट करता रहता है जो न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह है तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और आप वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में